केवल दो ही ऐसे जगह है जहाँ बॉडी जलाते हैं, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका बड़ा वाला 300 बॉडी जलते हैं। हाँ 300 लगभग, और एक बॉडी को जलने में लगभग 3 घंटा लगता है। तो जैसे हम लोग घर से बॉडी गंगा में लाते हैं तो पहले उसको बॉडी को गंगा में डुबाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, उसके बाद उसको पूजा करने के बाद उसको गंगा से निकाल के ऊपर स्टेप पे रख देते हैं सुखाने के लिए। सूखने में करीब करीब आधी घंटा लगता है। आधी घंटे में परिवार के दो लोग जो सबसे क्लोज हो, जैसे कि फादर हो तो ओल्डर सन, वाइफ हो तो हस्बैंड, सबसे क्लोजेस्ट पर्सन द फैमिली मेंबर, यू हैव टू गो टू बार्बर शॉप। उसको पूरा बाल छिलवाना और पूरा सफ़ेद कपड़ा पहनना। और जो दूसरा फैमिली मेम्बर होता है वो जाके लकड़ी लेता है और इंग्रेडिएंट जैसे कि मिल्क क्रीम, इंसेंस पाउडर, बटर, घी, ये सारे चीज़ें। ये चीज़ से वो क्या होता है कि वो जल्दी जलता है और स्मेल नहीं आता है। तो अब देखिए पूजा का सामग्री। हाँ पूजा का सामग्री, तो जैसे वो लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी को वो फायर बनाते हैं, वुड बेड। आप पे बनाने के बाद उसको जाते हैं शव के पास, शव उठा के लकड़ी के पास जाते हैं, फिर सारे कपड़े निकाल देते हैं, क्योंकि जो ऑरेंज देख रहे हैं ना, ऑरेंज और पिंक, ये सारे ऑफरिंग क्लॉथ्स हैं, उसको कफन बोलते हैं। सारे निकाल देते हैं सिवाय वाइट के, क्योंकि वाइट वाला सबसे लास्ट रहता है। उसके बाद बॉडी को उठा के लकड़ी पर रख देते हैं, उसके बाद फिर लकड़ी रख के उसके बाद सब जो इंग्रेडिएंट होता है वो डालते हैं। वो डालने के बाद जो लाल मंदिर देख रही हैं, हाँ, लाल मंदिर के अंदर दो पिलर है। अच्छा। दो पिलर के बीच में एक सफ़ेद दीवाल है। हाँ। उसी दीवाल के पीछे वो इटर्नल फायर है, जो लोग बोलते हैं शिव जी ने दिया रहा। हाँ। तो वो इटर्नल मतलब हम कभी नहीं उसको बंद किया, नहीं बुझ जाएगा, लेकिन वो जो फायर है वो कल्लू डोम के परिवार के अंदर है। अच्छा। तो डोम राजा के परिवार के अंदर वो है, तो डोम राजा के लोग उसको देख रेख करते हैं। तो कोई बॉडी जलती है तो उसको वो फायर से जलाते हैं, यहाँ पे उसी से जलाते हैं, माचिस, गैस, पेट्रोल ये सब नहीं जलाते, वो लकड़ी वो फायर से ही लेके आते हैं, जलता लकड़ी लेके आते हैं। और बॉडी का 5 चक्कर लगाते हैं। बॉडी का 5 चक्कर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा बॉडी है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, एयर, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई। वो 5 चक्कर लगाने के बाद वो पैर से आग लगा देते हैं और 3 घंटा जलता है। आग लगाने के बाद जो डोम होता है सिवाय पानी के, जलते जलते ये अपना पार्ट लेता है, स्काई, अर्थ, फायर ये सब ले लेते हैं, लेकिन पानी कैसे अपना पार्ट लेता है, तो इसलिए वो आखिरी में छोटा सा पीस बॉडी का जलाते नहीं, निकालते आग से उसको गंगा में डाल देते हैं। क्योंकि हम लोग का जो शरीर है पंच तत्व बना हुआ, पंच तत्व मिलीन होगा तभी मोक्ष मिलेगा, वैसे वो निकाल के डाल देते हैं। और हम लोग 5 तरीके के बॉडी को नहीं जलाते हैं, छोटे बच्चे को, प्रेग्नेंट लेडी, और जिसको सांप काट ले, और होली मैन, और होली मैन साधु, और जो चिकन पॉक्स हो जाता है ना वो, इन सब जो बॉडी में क्या करते हैं वाला है ना, उसको तारकेश्वर महादेव बोलते हैं। वो महादेव हर व्यक्ति के कान में आके तारक मंत्र बोलते हैं, उस तारक मंत्र को सुनने के बाद ही वो लोग मोक्ष का प्राप्त होता है, इसीलिए वो मंदिर वहाँ है। अरे यही मणिकर्णिका, मणिकर्णिका मंदिर कुंड है, मणिकर्णिका कुंड है जो विष्णु जी चक्र से बना रहे हैं ना, वहाँ पे है।
death is a celebration in Varanasi. Death is a... See? That's the best quote. Very nice quote that is. Death is a celebration in Varanasi. Death is a celebration in Varanasi. Yeah, that's see, no, in the same Ghat everything is happening. Oh yeah, yeah, exactly. Same Ghat also they have years.